गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन दिस चैनल। टुडे वी आर रीडिंग अबाउट द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। द अदर नेम ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन आर सिंधु वैली सिविलाइजेशन एंड हरप्पन सिविलाइजेशन। सरस्वती सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। द बिगनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिटीज ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्टेड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। इट्स मेन सिटीज वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, पनावली एंड रोपर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की स्थापना की शुरुआत 4700 साल पहले आरंभ हो गई थी। इसके मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और रोपड़ थे। द हड़प्पा सिटीज वर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। द वेस्टर्न पार्ट वॉज एट द हाइट विच वॉज कॉल्ड नगर दुर्ग एंड द पार्ट विच वॉज लोअर वॉज कॉल्ड द लोअर सिटी। हड़प्पा के नगर दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पर होता था जिसे नगर दुर्ग कहते थे और जो पूर्वी भाग बड़ा था उसे निचला नगर कहते थे। ह्यूज पॉन्ड हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो विच वॉज यूज एज अ ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में एक विशाल तालाब मिला है जिसका प्रयोग महान स्नानागार के रूप में किया जाता था। इन सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन द रोड्स वर वाइड एंड मेड अप ऑफ ब्रिक्स अलोंग विद द रोड्स। देयर वर ऑल्सो ट्रेन्स। सरस्वती सिंधु सभ्यता में सड़कें चौड़ी होती थी और पक्की ईंटों से बनी होती थी। सड़कों के साथ साथ नाले भी बने होते थे। इन सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन द रोड्स वर वाइड एंड मेड ऑफ ब्रिक्स अलोंग विद द, ये लाइन हम रिपीट कर गए, सॉरी। नेक्स्ट लाइन अपनी, द बिल्डिंग हाउसेस ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ सॉलिड ब्रिक्स। हाउसेस वर यूजुअली वन और टू स्टोरीज। रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस एंड हैड किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज। सरस्वती सिंधु सभ्यता के भवन के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे जिसमें रसोई घर, स्नानागार व शौचालय की सुविधा होती थी। द लाइफ ऑफ द सिटीज ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वॉज वेरी बिजी। पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। रूलर्स, क्लर्क्स, क्राफ्ट्समैन एंड ऑर्डिनरी पीपल लिव्ड इन द सिटीज। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों का जीवन बहुत चहल पहल वाला था। लोग विभिन्न प्रकार के काम करते थे। शासक, लिपिक, शिल्पकार और साधारण लोग नगरों में रहते थे। द पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन प्रोड्यूस्ड वीट, बार्ले, पल्सिस, पीस, पैडी, सीसम एंड मस्टर्ड। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। द पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कीप एनिमल्स लाइक कैमल्स, बुल्स, काउज, बुफेलोज, शिप, गोट्स एंड एलिफेंट ईटीसी अलोंग विद दिस डक्स, रैबिट्स, डियर, रोस्टर एंड पैरट्स वर आल्सो रियर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी व हाथी आदि पशु पालते थे। इसके साथ साथ बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गा व तोता आदि भी वो पालते थे। इन सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्राफ्ट्समैनशिप वॉज वेरी डेवलप्ड। मैनी थिंग्स मेड फ्रॉम स्टोन्स, कॉन्च सेल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ईटीसी हैव बीन फाउंड फ्रॉम हेयर। दीज आर
सैम्पल्स ऑफ फाइन क्राफ्ट्समैनशिप। सरस्वती सिंधु सभ्यता में शिल्प कला बहुत अधिक विकसित थी। यहाँ से पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी आदि धातुओं से बनाई गई अनेक चीज़ें मिली है। ये बढ़िया शिल्पकारी के नमूने हैं। इन सरस्वती ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीसिस स्टोन्स, आइवरी आर प्रोमिनेंट इन ज्वेलरी ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आभूषण में सोने, चांदी, अर्ध कीमती पत्थर, हाथी दांत के आभूषण प्रमुख हैं। अ टाइप ऑफ स्टोन यूज फॉर मेकिंग सील्स इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। बालू या सफ्टिक। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आभूषण में सोने, चांदी, अर्ध कीमती पत्थर, हाथी दांत के आभूषण प्रमुख हैं। अ टाइप ऑफ स्टोन यूज फॉर मेकिंग सील्स इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर एक प्रकार का पत्थर जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में मुहरे बनाने के लिए होता था। इन दिस इरा ब्रॉन्ज वाज मेड बाई मेकी मिक्सिंग कॉपर एंड टीन अटेंसिल्स टूल्स वेपन्स ईटीसी वर मेड फ्रॉम दिस मेटल। इस युग में तांबा व टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था और इस धातु के बर्तन, औजार, उपकरण, हथियार आदि बनाए जाते थे। लास्ट पॉइंट रहेगा इस लेसन का, द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी अबाउट 3900 ईयर्स एगो। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्टस, ड्रॉट, फ्लड्स और आउटब्रेक ऑफ एनी एपिडेमिक कैन बी कंसिडर्ड एज पॉसिबल रीजन्स फॉर द डिक्लाइन दिस लाइन ऑफ द ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 3900 वर्ष पूर्व माना जाता है। जंगलों का विनाश, सूखा, बाढ़ों का आना या किसी महामारी का फैल जाना इस सभ्यता के पतन का संभावित कारण माना जाता है। आज के लिए इतने काफ़ी बेटा। इस पेज की मैं पिक भी आपके पास फ़ोटो खींच के सेंड कर रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सभी इसको गौर से पढ़े, इससे आपका लेसन रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।